कैसे बनाए? बहुत अच्छा। बैक टू माई चैनल वंस अगेन। और आज है संडे, एकदम सनी सनी सा संडे हो रखा है। बारिश के दिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब रेनी डेज अच्छा लगता है लेकिन रात को बारिश हो तो अच्छा लगता है, दिन भर बारिश हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सनी सनी सा खिला खिला सा दिन हो रखा है, तो मैं नहा चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुकी हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, ये जो वीडियो होने वाला है ये एक रेसिपी प्लस एक छोटा सा ब्लॉग होगा, क्योंकि कहीं जाने का तो है नहीं, सिर्फ मम्मी और मैं है, तो कुछ खाना बनाएंगे खाएंगे, तो मैं सोचा वही क्यों ना मैं ब्लॉग करके दिखाऊँ। और मैं ये भी ट्राई करी कि मैं बड़े वाले वो ब्लॉग में भी थोड़ा सा रेगुलर रह सकूँ। तो मैं आज बना रही हूँ चिंगड़ी माछे मलाई करी, या चिंगड़ी माछ मतलब प्रॉन्स, प्रॉन्स का मलाई करी, एक बहुत ही हमारा मतलब बंगालीज का जो है एक आइकॉनिक डिश है, बहुत ट्रेडिशनल डिश है और मतलब बहुत ही अच्छा। ये वाला जो आइटम है मेरे सारे दोस्तों को मेरे हाथ का ये बहुत ही पसंद है, सो या आई एम प्राउडली सेइंग दैट, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। तो आप ज़रूर एक बार ये ट्राई करना और मुझे बोलना यहाँ पे कि आपको कैसा लगा। और अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और तो चलो पहले चलो पहले बनाना शुरू करते हैं, हो गया है काफ़ी टाइम। सो ये रही मम्मा, क्या कर रही हो? बासन धो रही हूँ। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। तो वो बनाना हम शुरू करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। सो किचन मम्मा ने जो है मेरे लिए साफ कर दिया, क्योंकि मैं जब बनाती हूँ मम्मी आके ना उनका पहले खाना जो है निपटा लेती है, उसके बाद मैं आती हूँ खाना बनाने के लिए। और बहुत मुश्किल होता है हाँ शॉर्ट को जो है शूट कर पाना, क्योंकि इतना सब कुछ समेट के उसे क्रिस्पली दिखा पाना इज अ टास्क फॉर मी, पर ठीक है चलो करना तो पड़ेगा। एक्चुअली दिस इज अ क्वार्टर किचन ना, तो इतना ज़्यादा बड़ा जगह भी नहीं है हमारे पास, छोटा सा जगह है यार, यू नो क्वार्टर्स गवर्नमेंट क्वार्टर्स कैसे होते हैं। सो यस थोड़ा सा छोटा जगह है, सो बेयर विद मी। तो ये रहा अनियन का पूरा झूड़ी लेके आ गई है मम्मी, बताओ यार को देखो, एक अनियन ले लेते हैं, एक अनियन ही मुझे काफ़ी है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा प्रॉन्स नहीं है, मैं प्रॉन्स दिखा देती हूँ। सो ये रहा मेरा प्रॉन, और इसमें ना कितना मतलब नॉट इवन 500 से थोड़ा कम हो, तो उस हिसाब का ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली हम लोग सब खा चुके थे इतना ही बचा हुआ, तो मैंने सोचा कि चला ये बना लेते हैं। तो ये है, तो इसके लिए मुझे बस वन हाफ अगर प्याज भी होगा तो चलेगा, मम्मी ने हाफ रखा हुआ था पहले से। प्याज को जो है ना हमें बस घस लेना है, इसको काटना नहीं है, चॉप नहीं करना है, इसको बस इसमें घसना है। इसके लिए मैं बस इसको साफ करके आती हूँ। ये रहा मैंने ग्रेट कर लिया है। सो ये रहा, अब चाहिए होगा मुझे नारियल, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है इसका नारियल, इसीलिए इसको मलाई करी बोला जाता है। जो मलाई है ना वो इस नारियल से ही निकलता है, तो नारियल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और नारियल तो मम्मी ने कल रात को ही खोल लिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। सो एक टमाटर इज इनफ। मलाई करी एक ऐसा डिश है ना, तो हर बंगाली अपने अपने तरीके से इसे बनाता है, तो मतलब कोई कोई होता है नारियल को पीस लेता है सिलबट्टे में, कोई कोई उसका दूध निकालता है गर्म पानी में डाल के, कोई इसको ग्राइंड कर लेता है। तो हम लोग देखो जब मैं अकेले रहा करती थी तो हमेशा नहीं होता कि सिलबट्टे से इसको पीस लो, एक तो नारियल का दूध खरीदने को भी मिलता है और टेट्रा पैक जैसे एक पैकेट रहा होगा तो वो तो है मतलब हैंडी है यूज़ कर लो, बट उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता उसमें। ट्रेडिशनल अगर वो वाला मज़ा चाहिए तो हाँ फोर लो, उसके बाद उसको गर्म पानी मिला के उसका पानी मतलब दूध निकालो, वो भी अच्छा रहता है, वो एक्सेक्शन भी अच्छा रहता है, अदरवाइज सिलबट्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। सो अब जो है हम पेस्ट करने का चीज़ें लेंगे, जिसके लिए हमें हमारे पास तो सिर्फ कम है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो स्पून लूंगी, दो स्पून से भी थोड़ा, ये वाला जो चम्मच है ना इससे भी मैं वन एंड हाफ ले रही हूँ, वन एंड हाफ डाल रही हूँ यहाँ पे, और मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। अब था तो ये नहीं है कुछ, तो इतना डब्बा यहाँ यहाँ पे, तो देखो ये जो पॉपी सीड है ना, पोस्तो मतलब कि पॉपी सीड आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, अगर आप भुवनेश्वर में हैं यहाँ पे भी बहुत इजीली अवेलेबल है, कोल है तो वहाँ पे भी है, आई गेस हर एक मॉल इसे रखता है, तो कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मॉल में एक बार ज़रूर इसे ढूंढेगा, अगर लोकल मार्केट में नहीं भी मिले तो मॉल्स वगैरह में मिल जाता है। इसमें जो है मैं यूज़ करूँगी
इतना सा पोस्ट तो मतलब ये वाली स्पून का मैंने पूरा फुल स्पून नहीं लिया, उसे थोड़ा सा कम लिया है। तो मस्टर्ड जिसे बोलते हैं, अगर यूज कर भी सकते हो नहीं भी यूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, मेरे पास है तो इसको थोड़ा सा कम करके, नहीं तो व्हाइट वाला जो येलो वाला मस्टर्ड है वो भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाफ स्पून भी नहीं लिया, इसमें भी टेस्ट जो है वो जो तीखापन है ना मस्टर्ड का बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है। तो यहाँ पे है ये, हम अपने वे से बनाते हैं तो हम इसमें ना थोड़ा सा ये जो तिल जिसे बोलते हैं व्हाइट कलर का जो तिल है, ये अगर सेसमी भी नहीं है आपके पास तो भी चलेगा, मतलब इम्पोर्टेंट है आपके पास अगर ब्लैक मस्टर्ड है या फिर पॉपी सीड, अगर वो दोनों भी नहीं है सिर्फ ब्लैक मस्टर्ड है उससे भी काम चल जाएगा। हमारे पास है तो मैंने दे दिया, आपके पास अगर होगा तो यूज कर लेना, ये जस्ट टेस्ट को जो है एनहांस करेगा। और थोड़ा सा नॉट इवन स्पून मैंने दिया, एकदम स्लाइट मैं थोड़ा सा हल्दी दूंगी, एकदम स्लाइट में थोड़ा सा नमक भी दूंगी, मिर्चा भी मैंने ले लिया बांट लेते। स्लैब है, स्लैब ही यूज करते क्योंकि हमारा जो सिलवट्टा का जो मतलब ये है क्या बोलते हैं पट्टा जो है वो बहुत हैवी है आई गेस, तो हम ज़्यादातर इसको उठाते नहीं है तो हमारा ये हमेशा साफ रहता है, तो हम इसी में अपना जो है जो तो पेस्ट करने का रहता है ना सिलवट्टा यूज करने का रहता है, हम यहीं पे करते हैं। अच्छा मैं तो लहसुन को भी उसके साथ बांट दूंगी क्या? तो ये जो पेस्ट है ये हो चुका है, इस तरीके से पूरा महीन पेस्ट कीजिएगा, इसे पूरा महीन पेस्ट कीजिएगा। इसको ना ढांक के रखना, हम लोगों ने बोलते हैं कि इसका ना थोड़ा स्मेल हो जाता है, इसे जब तक यूज़ नहीं करो इसे ढांक के रखो। तो ये रहा, मैंने इतना ऑयल दिया है, मुझे इसके बाद भी थोड़ा ऑयल चाहिए होगा। अब इसमें जो है मैं ये जो प्रॉन्स हैं वो शैलो फ्राई करूँगी, एकदम डीप फ्राई मत करना, मतलब आई कैन से 30% फ्राई करो, 70% छोड़ दो। तेल में हम बस जो प्रॉन्स का जो टेस्ट है उसे डालना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, और हल्का जो प्रॉन्स है थोड़ा थोड़ा गोल्डन भी नहीं बोल सकती मैं इसे, लाइट से भी लाइट गोल्डन होगा, जस्ट टेक इट आउट। इसमें थोड़ा सा जो है मैं हल्दी नमक से फ्राई करूंगी, इसको जो है हम फ्राई कर लेंगे एक-एक करके। वेरी केयरफुल, कभी भी आपके हाथ में टूट सकता है तो हल्के हल्के हाथों से आप इसको फोड़ दें साइड की तरफ। खाओ जरा, ये रहा नारियल, चलो 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 मतलब मम्मी और मैं किस तरीके से यहाँ पे करते हैं वीडियो के, क्या ही बताऊँ। तो चलो तो नारियल दे दूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कितना दूँ ना कोची का भालो। सबसे ज़्यादा अच्छा है कि सिलवट्टे में पीसो, एज आई सेड नहीं होगा तो फिर करो। देखो सिलवट्टा में अगर यूज़ करना है तो ऐसे इसका दूध अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, एक बार पिछले से कुछ भी नहीं होता, इसको मम्मी बहुत बार यू नो पीसेगी अभी। और अगर दूध एक्सट्रैक्ट करना है तो पूरा एकदम एकदम अच्छा खासा गर्म पानी लो, उसमें छोड़ के 2 मिनट के लिए नारियल जो जो कोरा हुआ नारियल उसके अंदर छोड़ दो, और उसके बाद उसको पूरा एकदम निचोड़ निचोड़ के उसका दूध जो है निकाल लो। तो अभी जो है इसको हमें निकाल लेना है, मम्मी पीसते पीसते आ गई है थोड़ा सा वीडियो पकड़ने के लिए ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं, बस इसको हटा लो ठीक है। इसमें जो है थोड़ा ऑयल जो है मैं उठा के रख दूंगी, लास्ट में यूज करूंगी इसे। तो देखो इतना दूध निकला है, अब बस ये वाला लास्ट लॉट है, इसके बाद और नहीं निकलेगा। हमने बस एक नारियल लिया था, ये एक नारियल से भी हाफ नहीं ना, एक नारियल का हाफ लिया था, बस इतना ही दूध निकला है। और ये पूरा का जो ग्रेवी है ना सिर्फ और सिर्फ इस दूध से ही बनेगा, इसमें कोई पानी का यूज़ नहीं होता है। जो है यहाँ पे हमारा 3 चीज़ आ गया, एक है नारियल का दूध जो इम्पोर्टेंट है इसमें, और एक है जो मैंने प्रॉन्स को यहाँ फ्राई करके रखा है, और तीसरा है कि मैं इसको ढाक के रखा था जिसका खुशबू और जो ये वो निकलना जाए, जो ये मस्टर्ड। यहाँ पे चॉप टमाटर्स है, यहाँ पे मैंने अनियन जो है कोर लिया, और ये जो है मैंने ना कोरा हुआ नारियल जो है थोड़ा सा रख लिया था। अगर आपको ग्रेवी में थोड़ा सा मतलब थोड़ा भारी ग्रेवी चाहिए, थोड़ा थिकनेस चाहिए, तो आप सिर्फ कूटा हुआ जो मतलब जो कोरा हुआ नारियल है ना बिना दूध निकाले उसको रख दीजिएगा। और ये तेल ना वही है जिसमें हमने प्रॉन जो है फ्राई किया हुआ था, वही तेल यूज कीजिएगा जिसमें प्रॉन जो है फ्राई हुआ है। अब इसमें डाल दूंगी कलौंजी, अब इसमें जो है अनियन जो कोर के रखा था वो दे दो कंप्लीटली, ठीक है ना डाल दो उसके बाद। अब थोड़ा सा फ्लेम को जो है हाई कर सकते हो, थोड़ा इसमें दे देंगे, हमारे पास जिंजर पेस्ट ऑलरेडी था तो इतना सा चलेगा। यहाँ पे मिर्ची का पेस्ट भी है, इसे अगर आप बोलोगे ना ये एकदम मलाई करी नहीं, दिस इज कॉल्ड मस्टर्ड मलाई करी। अगर हम मलाई करी जाके रेस्टोरेंट्स में मांगोगे ना तो वो मीठा होता है, सो मेक श्योर अगर रेस्टोरेंट मतलब कोलकाता रेस्टोरेंट जा रहे हो
तो चिंगड़ी माछ में मलाई करी नहीं, मस्टर्ड मलाई करी। सो वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जा रहा है क्योंकि मैंने एक बार ऐसे मलाई करी ऑर्डर करा था और एकदम वो मलाई बन के आया था, मतलब पूरा मीठा था। आई कुडंट ईट एकदम, अगर आप स्वीट टूथ नहीं हो तो उसको खा ही नहीं सकते, उतना मीठा था। सो लेकिन मम्मी लोग भी इसे बचपन से मलाई करी बोलते हैं, लेकिन मस्टर्ड से बनता है। सो फिर मुझे समझ में आया वो रेस्टोरेंट वाला ही बोले उसको ना मस्टर्ड मलाई करी बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर कि कभी आप जाओ और रेस्टोरेंट में मांग लो मलाई करी और मीठा निकल आए। सो दो तरीके का होता है, अगर मलाई करी मांगोगे तो पूरा मीठा आ जाएगा, अगर आप उसको बोल दो कि मस्टर्ड वाला जो मलाई करी बनता है वो फिर आपको तीखा वाला जो है वो ला के देगा। सो नाउ आई ऐड माय टमाटर्स हियर, चॉप्ड टमाटर्स, नमक स्वाद अनुसार, ओ माय गॉड आज मुझे पहली बार यूज करने को मिला, हल्दी अब पहले दे चुके हो या जो भी है हल्दी का जितना भी कलर आपका आता है उस हिसाब से देना। रेड चिली पाउडर। सो अभी टमाटर जो है गल चुका है तो अब मैं इसमें जो मस्टर्ड पेस्ट है वो दे दूंगी। तो मस्टर्ड डाल के ज्यादा जो है फ्राई नहीं करना, अब मैं इसे बस एक मिनट, एक से दो मिनट करूंगी, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा इसमें शुगर पड़ेगा जस्ट टू एनहेंस द टेस्ट एंड कलर। पकाते वक्त ना जस्ट डोंट यूज वाटर, उसके बदले थोड़ा सा दूध से इसको चलाते रहो। तो अब चलाते चलाते इसे वन मिनट तो हो चुका है, सो अब मैं इसमें जो है फिश डाल दूंगी। मैं इसे एक एक करके डाल रही हूँ क्योंकि नीचे जो है तेल है, तो तेल मैं रिजर्व करूंगी लास्ट के लिए। प्रॉन डाल के जो है अच्छे से पकाना है। बहुत लोग ना मस्टर्ड प्रॉन्स खाते हैं तो इस टाइम पे आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। बट इन दैट केस आपको जो प्रॉन जब हमने 20-30% फ्राई करा था उस टाइम पे आपको 60-70% फ्राई करना है, उसके बाद जितना बचा हुआ है इस टाइम पे वो फ्राई हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दो दो आइटम बोल दिया, चाहो तो दोनों ही करके खा सकते हो। अब जो है कोकोनट मिल्क देने का टाइम आ गया है, कोकोनट मिल्क ना। Oh, look at this beauty! This is very delicious. This is my favorite item. है ना माँ? अब इस टाइम पे आपके पास अगर ये है तो ये भी डाल दीजिए। सब जो मैंने ये जो ऑयल रखा हुआ था ना फ्राई करते वक्त, अब जो है डायरेक्ट ना हो गया है एंड आई विल नाउ टर्न ऑफ। ये रहा तैयार, ओह गॉड मैं कब खाऊंगी। ये रहा पूरा तैयार, अब गर्मा गर्म राइस बैठाऊं और इसके साथ खा के देखो और मुझे कमेंट भी करो। हो गया है, अब मम्मी प्लेट लगा लिया, मम्मी के लिए आज मैं खुद प्लेट लगाऊंगी। मैं जब भी कुछ बनाती हूँ ना ऐसे माँ के लिए मैं खुद प्लेट लगाती हूँ। तो ये रहा मेरा आइटम, मलाई क्या चिंगड़ी माछे मलाई करी। कैसा बना है? बहुत अच्छा। सब मैं भी बैठ जाती हूँ खाने के लिए, मुझे भी लगा है बहुत भूख और प्रॉन्स देखे तो मुझे बहुत ही भूख लग जाता है दोपहर को। अपने ही खाने को क्या ही बोलूँ मैं, कुछ नहीं। प्लीज इसे बनाना, प्लीज बना के फोटो भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ और मुझे बताना कि कैसा लगा आपको। अगर प्रॉन पसंद है तो जरूर बनाओ यार, मैं सच बता रही हूँ। प्रॉन प्लस ये कोकोनट मिल्क, कोकोनट बहुत अच्छा जाता है, मस्टर्ड पेस्ट बहुत ही अच्छा जाता है। प्लीज एक बार जरूर ट्राई करना मेरे लिए और मुझे रिव्यू जरूर देना कैसा बनाया। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, मेरा खाना एकदम खत्म हो गया, मैंने तो और भी थोड़ा सा राइस लेके खाया। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करते हुए जाओ यार, सब्सक्राइब करते हुए जाओ, इससे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है लोगों को और ज़्यादा, सिर्फ मैं ही नहीं किसी को भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और भी ज़्यादा कंटेंट बनाओ, लेके आओ।